नमस्कार, आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले राज्य कुछ मुख्य समाचार पर। निगम पार्षद रिंकू ने पूर्व दिल्ली नगर निगम कमिश्नर के साथ नंद नगरी क्षेत्र का दौरा किया। बापू बस टर्मिनल पर RWA ने मेट्रो स्टेशन के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। हम पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा साउथ गाइड भी सिखाई जाती है। यहां हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, जक्सलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2812-3222। अब खबरें विस्तार से। निगम पार्षद रिंकू ने पूर्व दिल्ली नगर निगम कमिश्नर अधिकारियों के साथ नंद नगरी क्षेत्र का दौरा किया। बाकी जानकारी लेते हैं कमिश्नर से। आपकी जवानी पूछते हैं कि इतना आप जंग गए हैं, उसको दिखाई देते हैं, मतलब वो जो होते हैं दिखाई रहना पड़ता है, जवानी रहना पड़ता है। वी मस्ट फील लाइक दैट। कुमार स्वामी जी, आज आपने नंदगी ब्लॉक के लिए दौरा किया है, क्या महसूस किया? अभी ब्लॉक में गए थे आप, मैंने गुड़ाउन देखा, सुंदरवन देखा, क्या महसूस किया? नहीं, इसमें जो है हमारी कोशिश ये कि जो है जो कमी है इसको सबसे पहले हम आंकलन किया जाए और उसके बाद जो है इसको सुधार करने के लिए प्रयत्न की जाए, क्योंकि आज हम देखेंगे लेकिन कल हम उसको जो है कोई नहीं दे पाएंगे। हमें जो है जो है योजना बनाना है, जो जो चीजें हमने देखा है, चाहे नाला हो या पार्क हो या कम्युनिटी हॉल हो या और कोई, क्योंकि सेंट्रल स्कूल का जो है करना अच्छी बात है, गुड सजेशन है। हमारे जो स्टोर को हम कहीं और कहीं रिपेयर करने के लिए कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें कॉरपोरेशन के पास जाएंगे, अगर इसको सेंट्रल स्कूल किरण की अनुमति दे दिए तो हम करेंगे पॉजिटिवली। हमने हमारे जो कि वो भी थोड़ा अपनी तरफ से जो है इसको पुरजोर करें। इसके बाद जब आप आते हैं क्षेत्र के अंदर तभी सफेदी दिखाई देती चारों तरफ, मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टम अपने आप काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरा हमारा जो अधिकारी सफाई है, फिर भी
व्हेन कंपेयर टू जो है वो मेहनत तो करता है, लेकिन बहुत क्राउडेड जगह है यहाँ पे जो है, बहुत ज्यादा जो है वो गार्बेज का जनरेशन होता है, अपने आप एक निरंतर समस्या है। उसके बाद बहुत समस्या है, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, उससे नहीं है आपके टेम्पो स्कूटर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कूड़े के ढेर पा रहे तो डिप्टी कमिश्नर है और सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट है, हमारे पास कंट्रोल रूम है, हमें बता दिए तो कूड़े उठाने में कोई मतलब जो है विलंब नहीं होगा। एट द मोस्ट हमारी जो कोशिश है कि विद इन 24 आवर्स जो कूड़ा उठ जाए, सभी डलाव साफ हो जाए। देखने में आया डीसी महोदय आई हुई है, बहुत एक्टिव है, ये साउथ के अंदर डीसी के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में है, इनका भी वजूद नहीं पूछा था, बहुत बार कर्मचारी सुनते नहीं है, कहती अवश्य है पर वो फिस हो जाती है। नहीं नहीं मेरे ख्याल से ऐसे नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस है, उसको समय लेता है, क्योंकि आज मैं आया अगर मैं देखा, अगर मैं कल या 10 दिन 15 दिन में अगर उसको सोल्यूशन दे, ये वो नहीं हो सकता है, कुछ चीजें कर सकता है, मैं सैनिटेशन ठीक करना है वो हम कर सकते हैं, अगले 15 दिन का करके दिखा सकता है, लेकिन बड़ा बिल्डिंग करना है, रिपेयर करना है, रिनोवेशन करना है, वो बनाना ये नहीं हो पाता है। बापू बस टर्मिनल पर आरडब्ल्यू ने मेट्रो स्टेशन के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया, बाकी जानकारी दे रहे हैं आरडब्ल्यू सदस्य। धनुष आपके साथ हो, जो भी जुर्माना दंड आप मेरे ऊपर लगाना चाहे लगाए, मैं उसको शायद भुगतना को तैयार जी, बाकी मामले जी कहीं कोताही सारे संघर्ष में बरतूंगा नहीं, ये आपके बीच में अपनी बात दोहराता हूँ, बहुत दिन शायद बैठे हैं, शाम हो गई है, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज 26 जनवरी है, इसके लक्ष्य में आपको पहले धन्यवाद देता हूँ, और आपका धन्यवाद करते हुए, आपकी उपस्थिति का धन्यवाद करते हुए इस सभा का समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जब भी आपको आवाज दी जाए, जब भी आपका दरवाजा खटखटाया जाए, तब यहाँ इस बाबर पर उपस्थिति में निर्णय पर आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, आप सब आएंगे, इसी आशा के साथ एक बार सुने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भादे जी क्या वजह है आज इसके, उसमें संघर्ष में आपने धरना दिया, बहुत बड़ा मीटिंग किया, क्या वजह है? इसलिए दो जब से यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, पहले यहाँ पर खोज किया गया था स्टेशन, लेकिन बिना कोई कारण बताए ही उस स्टेशन को यहाँ से उठाकर आगे ले जा चुके हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार जो है ना वहाँ उनका चक्कर काटना पड़ा और उनको अपनी तरफ से पूरा का पूरे डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट करके देने पड़े, लेकिन हमारी इसलिए मजबूर होकर आज हमें यहाँ इस धरने पर बैठना पड़ा। ये हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन ये इलाके की जरूरत है, लाखों लाख लोगों को यहाँ से सुविधा मिल सकती है, इस पूरे इलाके को ये जगह सेंट्रलाइज करती है, ये केंद्रित होती है, यहाँ का हर व्यक्ति इसी से जो है बाबरपुर मोजपुर चौक से होकर निकलता है सुबह और शाम को यहीं से आता है, इससे अच्छी कोई जगह और हो नहीं सकती मेट्रो स्टेशन के लिए, लेकिन उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया अभी तक, ये हम यहाँ से उठाकर क्यों ले गए, ये सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ बैठने का, और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, हम लगातार इस मुहिम को तेज करते जाएंगे। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत इस ब्रेक के बाद। स्वदेशी परंपरा का स्वाभिमान है खादी, आधुनिक फैशन की पहचान है अजय अरोड़ा जी का स्वदेशी खादी भंडार। स्वदेशी खादी भंडार से चूज करें खादी मटेरियल्स, मटका सिल्क, सैटन सिल्क, कॉटन प्रिंट व लिनन, विद रेंज ऑफ जीन्स मटेरियल जैसे कुर्ता पैजामा, शर्ट्स, जवाहर कट, जीन्स कुर्ते व जीन्स धोती एंड फॉर लेडीज साड़ीज, कुर्तीज, लेगिंग्स, नाइटीज, लेडीज शॉल्स, साथ ही बेडशीट, ब्लैंकेट, दरिया, रजाई व लोली। स्वदेशी खादी भंडार से ले जाएं ट्रेडिशनल रेंज ऑफ लेडीज एंड जेंट्स जूतियाँ, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, किड्स टॉयज, इत्र, रूम फ्रेशनर्स, परफ्यूम्स, एरोमा कैंडल्स व भगवान की मूर्तियाँ। स्वदेशी खादी भंडार पर उपलब्ध है ग्रामोद्योग संबंधी संपूर्ण आइटम्स, जैसे खाने के शुद्ध व उत्तम मसाले, आंवले के सभी प्रोडक्ट्स व शुगर की दवाइयाँ, हैंडमेड सोप्स
व हर्बल कॉस्मेटिक्स, वो भी स्पेशल छूट के साथ। कम टुडे, स्वदेशी खादी भंडार, भारत अपार्टमेंट, चंदर नगर, सूर्य नगर, गाजियाबाद, विवेक विहार, दिल्ली के सामने। फोन 9313898840 एंड 9313898841। लेकिन वो इस बात को टालने के लिए ये कह रहे हैं कि वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी छोटी जगह दिल्ली में मेट्रो के लिए और कहीं नहीं है जितनी छोटी जगह ये है। भाजपा की गवर्नमेंट चेंज हो गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे, अब अरविंद केजरीवाल आ गए, क्या उनसे अप्रोच किया आपने? उस बंदे अरविंद केजरीवाल की सरकार से अप्रोच की है, उनके मंत्री से अप्रोच की है, सिसोदिया जी से मिलकर आए हैं, उन्होंने भी बोला है कि हम इसे देखेंगे, लेकिन केवल देखेंगे कहने से काम नहीं चलता जब तक यहाँ कोई कार्रवाई कहीं सबूत हमारे हाथ में नहीं आ जाता। आपके साथ आए हुए हैं और संस्था जो है, क्या उनका वजूद नहीं है कुछ? हमारे से जहाँ 10 आदमी खड़े होते हैं वो 1000 आदमी बन जाता है, क्यों नहीं सुनवाई हुई है? आपने देखा होगा आज पूरा क्षेत्र यहाँ इकट्ठा हुआ है, आज यहाँ 28 RWA की लिस्ट आपके सामने है, सारे RWA के पदाधिकारी यहाँ है। आज ये हमारी पहली जनसभा हुई है इस विषय को लेकर, और आपके सामने हर व्यक्ति ने हाथ उठाकर इस बात के लिए समर्थन किया है कि हम इस काम के लिए तन से मन से धन से हर तरह से इस संघर्ष समिति के साथ हैं। यदि आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या आप स्टेप लेंगे? आप अगर हमारी बात नहीं मानी गई, अभी आपके सामने ये तय हुआ है कि आने वाले बुधवार को सुबह 10 बजे यहाँ धरना शुरू किया जाएगा, और अगर धरने से भी बात नहीं बनी तो अनशन शुरू किया जाएगा। हम इस बात को किसी भी रूप में अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आप विधायक नरेश गौड़ आए थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? नरेश गौड़ जी हमारे बीच में अपना पूरा सहयोग देकर गए, हमारे लिए कोई पार्टी गैर नहीं है, हमारे लिए कोई पॉलिटिकल मतभेद नहीं है, हमारी संघर्ष समिति यहाँ के कार्यकर्ताओं की है, उसमें सब पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, और सब पार्टियों के लोग हमारे मंच पर थे, इसलिए सबके सब साथ हैं। यहाँ के जो सांसद हैं उनकी क्या पोजीशन है, क्या साथ है आपके? नहीं है फिर आपने उनको इनवाइट किया? जनता के साथ होना सांसद महोदय का वो नहीं, वो साथ है नहीं आपके? जनता के साथ होना सांसद महोदय की जरूरत, वो बनता है अधिक, वो बनते हैं कर्तव्य बनता है, इसलिए उनका तो उनको साथ होना ही पड़ेगा। सांसद नहीं है वो, उनके सांसद साथ में है नहीं आपके। मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि अभी नजदीक हम पिछले 2-3 महीने पहले उनसे कभी मिले थे, अभी इस मुहिम के साथ उनको जोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उनके पास जाएंगे
वो मना करेंगे तो आपके सामने हम कहेंगे वो साथ नहीं है, और वो हमारे बीच में आएंगे तो आप देख लेंगे। बस भारद्वाजी वो छोटे सा प्रोग्राम होता है, पहुंच जाते हैं यहाँ, इतना बड़ा जनसमूह था, इतने आदमी इकट्ठे हुए, क्यों नहीं आए वो? क्या मैसेज नहीं है उनके पास? उनके आदमी नहीं है यहाँ? क्या उनके पार्टी के व्यक्ति नहीं है यहाँ? क्या वजह है कि सुनवाई नहीं? आप ठीक कहते हैं, कोई मजबूरी हो सकती है, जब तक वो ये ना कहे कि मैं इस मुहिम में आपके साथ नहीं हूँ तब तक वो हमारे साथ है। क्या फोन से बातें से किसी आदमी से, हाँ जी हम तुम्हारे साथ है, क्यों नहीं फोन किया उन्होंने? किसी बात की बात उसी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम अबकी बार कोई भी मुहिम शुरू करेंगे उससे पहले अग्रवाल जी से ही मिल कराएंगे, हमारा कोई मतभेद नहीं है किसी। मुकेश यादव जी, मुकेश यादव जी अभी मंच पर बोले हैं, माइक पर बोले हैं, उनका पूरा समर्थन हमारे सामने पार्टी का परेशान है कि जो मेट्रो बनना है यहाँ बाबूपुर पर बनना चाहिए, क्या वजह है? आपकी गवर्नमेंट चुप बैठी है, गूंगी हो गई है, क्या वजह है? नहीं, हमारी गवर्नमेंट चुप नहीं बैठी है, और मैं इसीलिए यहाँ पर पार्टी का प्रवक्ता हूँ और यहाँ पर यह कहने के लिए आया हूँ कि पार्टी स्वराज पे भरोसा रखती है और स्वराज के आधार पर जो यहाँ की जनता कह रही है वही होगा यहाँ पर। नेता कहते हैं आसन देते हैं, इनका जवाब दे दो, फिर अपना आपका जवाब दे दूंगा। नेता कहते हैं पर सुनते नहीं है, और सुनते हैं तो बात सुनते हैं। हाँ, तो उन नेताओं का जमाना गया, अब जनता का जमाना आ गया, जो जनता कहेगी वही होगा यहाँ पर, कोई नहीं रोक सकता। नेताओं का जमाना गया, यहाँ पे अभी जिन संस्थाओं ने यहाँ पर आज अपनी बात रखी है उन सबके प्रतिनिधियों को मनीष जी से मिलवाकर और वहाँ पर ही टाइमलाइन दी जाएगी। मनीष जी से मिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है सबकी, और जो यहाँ की जनता कहेगी वही होगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वो ही होगा जो जनता कहेगी। आपको क्या चाहिए? अरे सर, बाबरपुर बस टर्मिनल चाहिए, अरविंद जी से मिल लेना सर। आप जनता की तरफ से मत बोलो, पत्रकार की तरह न्यूट्रल बात बोलो, जनता जो कहेगी वही होगा यहाँ पर। नहीं, हाँ बिल्कुल बैठेंगे, आप साथ बैठेंगे। हम सिसोदिया जी से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं किया। हाँ, सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं किया। पैर छोड़ के ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडीपी पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है, तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए बगाड़ का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deobhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 228-31594. Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school, learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air conditioned playway room, tap water facility, well ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions.
computer and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competition. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English Medium Recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार को एक महीना हो चुका है, युवाओं को उनसे क्या आशा थी, बात करते हैं युवाओं से। जिन्हें आप इस देश के सामने उठाना चाहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया में सिर्फ यही रहा है कि करप्शन बहुत ज्यादा है। अगर करप्शन निकल जाए तो हमारी इंडिया प्योर और रिपब्लिक ही रहेगी। करप्शन के अलावा? करप्शन के अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्ल्स, द सेफ्टी ऑफ गर्ल्स इज मस्ट। ये कहते हैं कि 8 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर ना निकलने दें। बॉयज को सारी फ्रीडम, गर्ल्स को क्यों नहीं? गर्ल्स हैव देयर ऑन राइट्स एंड देयर हैव ऑन रिपब्लिक क्लीनलीनेस। करप्शन और पीपल्स को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं फैलाना चाहिए। गर्ल्स को भी प्रॉपर राइट मिलना चाहिए, गर्ल्स को एक समान देखना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड। आपके हिसाब से आर्थिक स्तर का जो डिफरेंस है वो कोई मायने रखता है? जो एक आदमी गरीब है, एक आदमी बहुत अमीर है, उनको आपस में इस लोकतंत्र में कहीं कोई जगह देनी चाहिए? कहीं आपस दोनों को ऑब्वियसली देनी चाहिए। इक्वालिटी बढ़ेगी, इक्वालिटी रहेगी तो सारे सोशल जस्टिस वगैरह अपने आप इक्वल रहेंगे। ये जो हम स्कीम्स लाते हैं लोगों को अलग से फंडिंग करते हैं, उससे आपको आप कैसा महसूस करते हैं इस बारे में? हम अच्छी बात है, गरीबों को भी यही बात उठाती है। गरीबों को नुकसान दे सकती है? आपको कैसे लगता है कि एक गरीब को दी हुई स्कीम गरीब के लिए नुकसान दे सकती है? कई बार जो स्कीम हम कर सकते हैं, मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो गरीब नहीं अफोर्ड कर सकते। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जैसे FDI वगैरह बहुत सारी हैं, लेकिन उनको भी अभी भी प्रॉपर तरीके से उनका सामान नहीं मिलता है। राशन कार्ड भी दिखा के भी उनको उनका राशन नहीं मिलता है। इसी तरह ये जो अभी मुद्दे उठे, कभी आपने इन मुद्दों को दूर करने के लिए किसी तरीके की सोच बनाई है आपकी? देखिए, कहना तो सब चाहते हैं, मैं भी कहना चाहता हूँ, मगर कोई कार्य योजना है जो आपने मुद्दे उठाए, हम इनमें कैसे सुधार ला सकते हैं? आपने कहा कि करप्शन कैसे खर्च कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आपने कहा कि हम अपना सुरक्षा कर सकते हैं, वो कैसे सुरक्षा कर सकते हैं आप? जी, अगर गवर्नमेंट और पुलिस सपोर्ट करे तो, जैसे हमें पता है कि रिसेंटली 2-4 दिन पहले क्राइम हुआ है, बट पुलिस स्टेशन उसी के पास में था, बट पुलिस ने जब रिपोर्ट पुलिस को जिसने रिपोर्ट की, बट पुलिस ने कह दिया हम कोई हेल्प करने नहीं आएंगे। अभी कोई घटना आपके निगाह में है? हाँ, अभी जो नवंबर में वो हुआ था रेप की, उसमें भी पुलिस भी वहीं पर थी। निर्भया की बात कर रहे हैं, निर्भया सिस्टर ऑफ ऑल, प्लीज जस्ट गिव अस सपोर्ट टू हर एंड हर फैमिली। निर्भया वाले मामले में आप ये मानते हैं कि पुलिस भी उतनी ही दोषी है जितनी की जिन्होंने ये दुर्घटना जिन्होंने ये कर्म दुस्साहस किया था वो? हाँ, दोनों का हाँ, जी एक्चुअली सबकी ही है। वहाँ पे जितने भी लोग जा रहे थे उन्होंने एक बार भी नहीं देखा कि कोई पड़ा है, उसको हॉस्पिटल भेज दे, कुछ कर दे, बस वहाँ से जा रहे हैं। ये हर किसी को है, मतलब और अगर आज वो अगर वो अगर पीपल्स आज उसकी हेल्प करते तो वो आज हम शायद पब्लिक सेलिब्रेट कर रहे शायद। हमारी जानकारी के अनुसार उन्हें सुबह 3 बजे 3:30 बजे जितने वो वहाँ का लोकल का जो पुलिस वाला ही था, वो
वही उठा करके लेकर के गया था वो बस। लेकिन जो रात के पुलिस वाले थे वो क्या कर रही थी? जो रात के पुलिस थे वो क्या कर रही थी? आई वॉन्ट टू आस्क दिस फ्रॉम दिल्ली पुलिस वेयर ही वॉज। पर उनकी जितनी इंक्वायरीज है उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष जो ड्यूटी पर लोग थे उनमें केवल किसी को 100 नंबर कॉल नहीं हुई थी और उन्होंने कहीं पर भी किसी इंक्वायरी में किसी पुलिस वाले को लेकर के कोई आरोपित नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में भी आपको क्यों लगता है कि एक जो पुलिस वाला ही अपने अस्पताल लेके जाता है, आइडेंटिफाई करता है और आगे की कार्रवाई करता है और फिर भी आप पुलिस वालों को ब्लेम कर रहे हैं? कारण उसने इसलिए किया क्योंकि उसे उसके घर में भी माँ बहन हो उसकी। सभी पुलिस आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, पुलिस वालों के भी है। उसे प्रति ये रवैया आप क्यों लगता है? क्योंकि हमें एक बार हम ऐसा देखते हैं कि पुलिस वाले सब कुछ देख के भी अनदेखा कर देते हैं। जो हमारे लिए हमारी सेफ्टी तो पुलिस वालों के पास है ना। जब पुलिस वाले अपनी आँख बंद कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? पर क्या आप अपनी सेफ्टी खुद नहीं कर सकते? हम अपनी सेफ्टी कब तक करेंगे? जब तक इक्वालिटी नहीं होगी हम जस्टिस कैसे लेंगे? आपको अब जैसे नहीं रुकावट है या परिवार की, अब जैसे आ रहे इक्वालिटी में इक्वालिटी इसलिए इक्वालिटी। बट निर्भया जब अपने फ्रेंड के साथ बाहर मूवी देख के आई थी तो इट मीन्स ये तो नहीं कि अगर वो गर्ल है तो बाहर लेट नाइट तक मूवी नहीं देख सकती। इसमें तो पुलिस का रोल है या घर वालों का रोल है आपके हिसाब से? उनके इसमें पुलिस में या समाज में या घर में? इसमें वो पुलिस ने कहा था कि लड़कियों को बाहर रहना नहीं चाहिए। अगर आपने देखा होती एक स्टेटमेंट आई थी ऐसी, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर वो एक एडवाइजरी रूप से भी होती है। आपके घर में भी इस तरीके की वो मैसेज दिए जाते हैं तो क्या आप अपने घर के प्रति भी विद्रोह करेंगे? क्योंकि यही बातें आपके घर में भी कही जाती है। इसका मतलब पुलिस बाद में, पहले आपको घर में ही इस बात का परिवर्तन। हम अपने घर में पूरा ट्राई करेंगे इसे चेंज करने का। हम ऐसे ट्राई करते हैं और बहुत सारी परिवार ने अपनी जो व्यूज है वो चेंज भी किए। आप शुभ नाम क्या आपका? प्रीति। प्रीति कौन सी पढ़ती हैं आप? दसवीं। आप दसवीं पढ़ती हैं, पर आप तो बीए एमए जैसे स्टैंड को मात करिए, कहाँ से सीख के आए सब बातें आप? इतना ज्ञान कहाँ से आया आपके अंदर? कौन सिखाता है आपको ये बात? कोई नहीं, कहाँ से ज्ञान आया? बच्चे तो कुछ जानते नहीं हो और आप तो इतने जो बड़े नेताओं से भी अच्छी व्यवस्था है। आप तो कहाँ से सिखा दसवीं के अंदर आपने? ये आदिली और अंकल टेंथ में सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे डिबेट्स वगैरह होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं, बच्चे तो बहुत पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, 200 बच्चे पढ़ते हैं दसवीं के अंदर, एक आप ही नहीं है। बाकी 99 बच्चे कौन जवाब देते हैं सर? जवाब देती है वो उनकी मर्जी, मेरे अपने। चलिए आपने जो क्वेश्चन किया ये स्कूल पे डिपेंड करते हैं। कोई स्कूल कैसा भी है, स्कूल पे डिपेंड नहीं है, हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड है कि वो क्या सोचता है, उसे क्या अपने देश के प्रति क्या कैसी व्यूज है। आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? आप नहीं बोल रही? मैं एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंस ग्रुप में होते हुए भी आप ग्रुप से अलग दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं बोल पा रहे? आप अपने विचार रखिए ना। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? प्रियंवदा। प्रियम वदा। प्रियम वदा जी बताएं, ये नाम प्रियम वदा किसने रखा आपका? मेरी मम्मी। बहुत बढ़िया नाम, अच्छा है प्रियम वदा। इसकी संधि से करेंगे तो क्या बनेगा जानती हैं आप? हाँ, प्रियम और वदा कीजिए, प्रियम वदा के क्या बनेगा? प्रिय बोलने वाली। तो आप इतनी अच्छी हैं, प्रिय बोलने वाली हैं, कुछ क्यों बैठी हैं आप? तो आरोप लगाई जा रही है। आप बताइए, आपकी एज कितनी है? मेरी 15। 15 में इतनी सुंदर है, इतनी मोटी मोटी आंखें हैं, हाइट आप इतनी अच्छी हाइट है, जब आप जाती हैं तब कैसे महसूस होती है? बोने दिखाई देते हैं, आपकी हाइट ऊंची होती है, मतलब जो छोटे होते हैं कैसे महसूस होता है उस टाइम? जब मुझे अपने पे प्राउड होते हैं देट मेरे पेरेंट्स लंबे हैं और मेरी हाइट अच्छी है। अच्छा, आई एम फील टू हैव क्वालिटी करती है सब कुछ में, वो छोटे तो बोल रही है। डिफेंट डिफेंट दिखाई देती हैं आप, ये भी करती हैं डिफेंट दिखाई देती हैं आप। ये डिफेंट से आपको जो अभी लगता है, हमने जो मुद्दे उठाए, जो बात करी, क्या आपको कुछ लगता है कि परिवर्तन की उम्मीद है? अगर पीपल करेंगे तो ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली हो पाएगा। इसीलिए उठाते हैं कि जब चर्चा होती है तो उस पर जितनी चर्चा से ये एक विषय बनता है और विषय बनने से लोगों में जागरूकता आती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या का हल निकलता है और कुछ भ्रांतियां जो होती है वो भी कुछ कम होती है। धन्यवाद। लेकिन मैं सभी देशवासियों से ये बोलना चाहूंगी कि बोलने से कुछ नहीं होता, अपनी सोच अपने आप ही बदलनी पड़ती है। तो प्लीज अपनी सोच अपने आप ही बदलिए। आप सुन रहे हैं, स्मार्ट हैं,
आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं जाना चाहती? क्या वजह? आप जाएंगी तो फिल्म इंडस्ट्री में आपको हाथों हाथ में उठाएंगे और आप हीरोइन बन जाएंगी, क्या वजह है? बिकॉज एक्चुअली में फैमिली इंटरेस्ट भी नहीं है. आप क्यों दबाव डाल रही? उनको इंटरेस्ट है. जो आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं पहुँच पाई, आपकी एज के बच्चे आज बहुत अच्छे पहुँच गए. क्या भविष्य? बिकॉज बाय द सपोर्ट ऑफ द फैमिली. सपोर्ट ऑफ द फैमिली. एवरी वन इज इन माई फैमिली इज टीचर. दे ऑल्सो एक्सेप्ट मी दैट आई एम ऑल्सो विल बी अ टीचर इन फ्यूचर. क्या टीचर बनेंगे? फिल्म हीरोइन बन सकती हैं आप? यदि फिल्म हीरोइन बनेंगे तो पैसा भी होगा, भी होगी, नाम होगा. आप टीचर पीछे क्यों पढ़ी हैं? टीचर तो बच्चों को पढ़ाते हैं और फिल्म इंडस्ट्री वाले दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं वो. बट इट इज लकी टू बी अ टीचर. Because as a being a teacher, we can manage our home. हम अपना घर देख सकते हैं, हम अपनी फ्यूचर लाइफ देख सकते हैं, हम अपना पूरा घर मैनेज कर सकते हैं. कोई ऑफर आती है किसी प्रोड्यूसर की या किसी की, जाएंगे आप? If it is, it will possible. हमारी यह बुलेटिन सिर्फ आपके साथ है. यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें. हमारे फोन नंबर है 2232-0382-0378-1072-848-9818-701-752. हमारा फैक्स नंबर है 2232-0638. ईमेल aapkepaas@yahoo.com. हमारी वेबसाइट है www.dillyfmnews.com. आपको हमारा कार्यक्रम ही कैसा लगा? आप हमें फीडबैक हमारे ईमेल और फोन नंबर पर दे सकते हैं. हमारा आज का यह बुलेटिन समाप्त होता है. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार. हमारा पता है 198/1 श्री रामनगर, श्रीनगर, दिल्ली 32.